डॉग्स को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। शायद इसलिए डॉग्स मरते दम तक कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से नस्ल के डॉग्स को पाला जाए, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज हम आपको दुनिया के सबसे वफादार और भरोसेमंद डॉग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। साथ ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना अभी ना भूले। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 डॉग ब्रीड्स। नंबर 10, माल्टीज नस्ल के डॉग्स को ज्यादातर लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर रखना पसंद करते हैं। माल्टीज नस्ल के डॉग्स हाइट में ज्यादा बड़े नहीं होते। इस नस्ल के डॉग टाई ब्रीड के सबसे पुराने डॉग्स में से हैं। छोटे मुलायम और प्यारे होने के कारण महिलाओं को ये बहुत पसंद आते हैं। और अगर आप भी इस प्यारे से डॉग को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको 30,000 से 1.5 लाख तक खर्च करने होंगे। नंबर 9, बिगल्स नस्ल के डॉग्स बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। बिगल्स डॉग के कान लंबे होते हैं और इनकी सूंघने की शक्ति काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि डॉग्स कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस डॉग की प्रजाति इंग्लैंड में विकसित हुई थी और इस डॉग की कीमत 23,000 से शुरू होती है। नंबर 8, लैब्राडोर नस्ल के डॉग को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना पसंद करता हो। इस नस्ल के डॉग बहुत ही प्यारे और डिसिप्लिन्ड होते हैं। पुलिस और सेना भी लैब्राडोर डॉग का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस नस्ल के डॉग्स बहुत ही होशियार होते हैं। लैब्राडोर का स्पोर्ट्स में और गाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में एक लैब्राडोर बच्चे की कीमत 5,000 से 6,000 रुपए से शुरू होती है, जो 1 लाख तक भी जाती है। नंबर 7, बुलडॉग डॉग्स की बहुत ही पसंद की जाने वाली फेमस प्रजाति है। इन्हें इंग्लिश बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग भी कहा जाता है। बुलडॉग का नेचर बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। बुलडॉग नस्ल के डॉग बहुत ही भारी भरकम होते हैं। इनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां होती है और इनके नाक चपटे होते हैं। बुलडॉग नस्ल के डॉग्स इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बुलडॉग को पालना पसंद करते हैं। इंडिया में बुलडॉग की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 60,000 तक है। नंबर 6, जर्मन शेफर्ड्स दुनिया के सबसे पसंदीदा डॉग्स की नस्लों में से एक है। ये डॉग्स जर्मनी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये नाम मिला है। जर्मन शेफर्ड्स को इनके ब्रिटिश नाम अल्सेशियन के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन शेफर्ड्स नस्ल के डॉग को उनकी ताकत, तेज दिमाग, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के कारण उन्हें विकलांगों की हेल्प, किसी चीज को ढूंढने, लोगों को बचाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स में इसे एक आदर्श डॉग भी माना जाता है। आपको बता दें कि एक जर्मन शेफर्ड के बच्चे की कीमत 5,000 से 2,500 के बीच होती है। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है, तो जर्मन शेफर्ड नाम के इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। ये बेस्ट सेलर बुक आपके पालतू जर्मन शेफर्ड की साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेगी। नंबर 5, पग प्रजाति के डॉग्स चीन में विकसित हुए हैं और पग प्रजाति के डॉग्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पग काफी शांत और आलसी होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर आपको सोते हुए मिलेंगे। पग की उम्र सिर्फ 12 से 15 साल तक होती है। अगर आप भी छोटे से और प्यारे से पग को अपने घर का हिस्सा बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको 40,000 से 2 लाख डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर 4, जैक नस्ल के डॉग्स इंग्लैंड में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के डॉग्स को खेलना कूदना बहुत पसंद होता है और ये एक जगह खाली नहीं बैठते, इसलिए ये हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैक रसल नस्ल के डॉग्स भी बीगल्स नस्ल के डॉग्स की तरह शांत स्वभाव के होते हैं। इन डॉग्स को हमेशा ही एक अच्छी कंपनी की तलाश होती है, जिसके साथ ये खेल सके। इस डॉग की कीमत 35,000 रुपए से शुरू होती है। नंबर 3, पूडल अमेरिका में सबसे फेमस डॉग्स की नस्ल में से एक है। ये बहुत ही प्यारे होते हैं। इन डॉग्स को अटेंशन लेना काफी पसंद है, इसलिए ये खुद को लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। पूडल डॉग्स बहुत ही चालाक होते हैं और इन डॉग्स की उम्र 12 से 15 साल तक होती है। पूडल डॉग्स दूसरे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अगर इनके बारे में जानने के बाद आप इन्हें खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इन डॉग्स को 50,000 से 2 लाख डॉलर के बीच खरीद सकते हैं। नंबर 2, गोल्डन रिट्रीवर। ये नाम हर किसी को पता होगा, क्योंकि ये होते ही इतने प्यारे हैं। आपको बता दें कि गोल्डन रिट्रीवर की प्रजाति मुख्यतः स्कॉटलैंड की नस्ल है, लेकिन ये ब्रिटेन, अमेरिका और इंडिया में भी पाए जाते हैं। ये डॉग्स काफी समझदार होते हैं और इन्हें इंसानों के साथ काफी लगाव होता है। गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स को बच्चों से बहुत प्यार होता है, और अगर आप भी इस क्यूट डॉग को अपनाना चाहते हैं, तो आपको 50,000 रुपए से 2 लाख खर्च करने होंगे। नंबर 1,
न्यूफाउंडलैंड नस्ल के डॉग्स को बच्चों का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। हालांकि ये देखने में बड़े और थोड़े डरावने होते हैं। आपको बता दें कि ये डॉग्स बहुत ही काम के होते हैं। न्यूफाउंडलैंड डॉग के शरीर में बतख की तरह वाटर रेजिस्टेंस कोट होता है और पंजे भी उसी की तरह झिल्लीदार होते हैं, इसलिए ये डॉग्स पानी में आसानी से तैरते हैं। इन डॉग्स का इस्तेमाल डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए भी किया जाता है। दरअसल ये मछुआरों के जाल को समुद्र में खींच कर ले जाते हैं और डूबते हुए लोगों को बचा लेते हैं। आप 30,000 रुपए से 2,00,000 रुपए की कीमत खर्च करके न्यूफाउंडलैंड पपीज को पाल सकते हैं। उम्मीद है फैक्ट्स कैफे की ये फनी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।